एक टीम ऐसी है जिसने पिछले 8 साल बाद, यानी कि 8 साल बाद वर्ल्ड कप के इस मेन टूर्नामेंट में क्वालिफाई किया है। दूसरी टीम ऐसी है जिसने पिछले 15 साल में T20 वर्ल्ड कप के मेन मुकाबलों में कभी नहीं जीता। पिछले 15 साल पहले वेस्ट इंडीज को हराया था, उसके बाद आज तक एक भी इस फॉर्मेट में मैच नहीं जीता है। तो क्या इन दोनों का खाता खुलेगा इस मैच में या नहीं खुलेगा, वो तो हम जानेंगे मैच के बाद। लेकिन आपको क्या जानना है, इस मैच की टीम कैसी बनेगी, आपको कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी कैसे फिक्स करने हैं, आपको ड्रीम 11 में स्मॉल लीग हेड टू हेड या फिर ग्रैंड लीग की टीम कैसी बनानी है, पिच रिपोर्ट क्या है, सारी जानकारी चाहिए, तो आप एकदम सही जगह पे आए फैंटेसी गली के इस वीडियो में, जहां पर आपको सारी डिटेल्स मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और पसंद आए तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, वो लाल बटन देख रहे होंगे जस्ट नीचे वीडियो के जस्ट नीचे, वो उसको दबा के ग्रे कर दीजिए, और साथ में शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, कमेंट करके बताइए कि आपका फेवरेट पार्ट क्या था वीडियो का, और आपको क्या और एडिशनल चाहिए इस वीडियो में, या फिर कुछ पसंद नहीं आया तो वो भी लिख भेजिए। साथ में नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि उससे आपको जब भी हम कोई नया वीडियो या नया कॉन्टेंट डालेंगे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं इस वीडियो की, ये है बांग्लादेश बनाम नेदरलैंड्स सुपर 12 का मैच नंबर 5, 24 अक्टूबर को सुबह 9:30 बजे मैच शुरू होने का टाइम है। आपके लिए क्रूशियल टाइम कितने बजे का है, 9 बजे का, 9 बजे जब टॉस होगा, और टॉस के बाद स्क्वाड में कुछ अपडेट्स आ सकते हैं, खासतौर से बांग्लादेश के स्क्वाड में, क्योंकि ये पहला मैच खेलने जा रहे हैं वर्ल्ड कप का, और उसमें उनकी क्या कॉम्बिनेशन रहेगी, क्या टिप्स रहेंगे उनके स्क्वाड के लिए, और क्या कॉम्बिनेशन वो ओपनिंग में खास तौर से नहीं लेके आएंगे, तो ये सब बातों का सवाल ये सब सवालों का जवाब जो है फाइनल स्क्वाड आने के बाद ही पता चलेगा। तो आप प्लीज उसका अपडेट रखिए। अगर आपको अपडेट रखने में असुविधा है कुछ, या फिर आप ड्रीम इलेवन में टीम बना के भूल जाते हैं, ये सब में कुछ प्रॉब्लम है आपको, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, फैंटेसी गली सॉल्यूशन लेके आया है अपने ऐप के थ्रू। अगर अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए फटाफट, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको हम टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन भेजते रहेंगे। बात करते हैं यहां पे आपके पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन की, कि इस मैच में आपको क्या क्या पॉइंट्स मिलेंगे जानने को, सारा डिटेल्स आपको हम देंगे जो आपको इनफ है इस मैच की एक स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, एक टीम बनाने के लिए। लेकिन आपको अगर मल्टीपल टीम्स चाहिए, मल्टीपल ट्रिक्स चाहिए, मल्टीपल टिप्स चाहिए, तो आपको जाना पड़ेगा www.fantasygully.com, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप हमारे वेबसाइट या ऐप को चेकआउट करके अपनी फैंटेसी गेमिंग के सारे स्टैट्स को जान सकते हैं, सारी टीम्स देख सकते हैं, 50-60 टीम कुछ रहेगी, तो प्लीज डू चेकआउट बोथ द थिंग्स। हमारा ऐप भी वेबसाइट भी, दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, टॉप फैंटेसी पिक्स, यानी आप मल्टीपल टीम्स बना ही रहे तो आप कैसे, टॉप 4 पिक्स कौन से होने चाहिए जो आप थ्रू आउट अपने 5 टीम या 10 टीम या 15 टीम जितनी बना रहे हैं सब में रख सकते हैं, क्योंकि एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स कम से कम दिलाने का ये मादा रखते हैं। ऐसे 4 प्लेयर कौन से आपके, बांग्लादेश की तरफ से लिटन दास, साकिब उल हसन, नेदरलैंड की तरफ से मैक्स ऑर्डर और बैथली, ये आपके 4 प्लेयर होते हैं जो आपको अमूमन हर स्क्वाड में आपके देख सकते हैं, जो आपको अमूमन एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स को दिलवा ही देंगे। बाकी क्या इससे काम चल जाएगा, चल जाएगा ना, नहीं चलेगा ना, चलेगा कि चलेगा बताइए फटाफट, चल जाएगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो आप आगे वीडियो को पूरा देखिए और हम आगे बात करेंगे इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, मैं रौनक कुमार केडिया एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस ब्रांड न्यू वीडियो में, जहां पे आज हम बात करें बांग्लादेश बनाम नेदरलैंड्स का इस मैच का, और इसमें क्या प्रमुख जानकारी आपको देनी है हमको, वो हम आपको बताएंगे एक एक करके। लेकिन सबसे पहले चलते हैं जो वाइटल पिक है, अब इस पे ट्रस्ट करना है नहीं ट्रस्ट करना है वो आपके ऊपर है, क्योंकि अभी ट्रस्टेबल रहा नहीं है सोर्सेस, क्योंकि अगर आप पिच एंड कंडीशंस की, पहले कंडीशंस की बात करें तो भूल जाइए, जो वहां का वेदर रिपोर्ट आ रहा है ना ऑस्ट्रेलिया से, कौन बना रहा है पता नहीं, नींद बना रहा है पता नहीं, क्योंकि अभी पिछले जितने 4 मैचेस हो गए वर्ल्ड कप के उसमें हर बेक आया कि 90% वेदर चांसेस है रेन होने का, एक मैच में भी एक ओवर कम नहीं हुआ है, तो आपके ऊपर कितना भरोसा करना उनके ऊपर वेदर रिपोर्ट के ऊपर, खासतौर से ये वेदर रिपोर्ट का जो ये कॉलम है उसमें 12 डिग्री बोल रहे हैं वेदर है, 70% ह्यूमिडिटी और बोले 90% रेन के चांसेस है इस मैच में भी, अब कितना ट्रस्ट करना है, 90% ट्रस्ट करना है उनको कि 10% ट्रस्ट करना है, वो आपके ऊपर है।
अब हम बात करते हैं पिच की, तो पिच आपको जो यहाँ पे ट्रेडिशनली यहाँ पे बिहेव करती है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो बैटिंग फर्स्ट कहेंगे, लेकिन जो पिछले कुछ समय से कर रही है पिच, बैटिंग सेकंड आपको प्रेफरेबल चॉइस बन सकता है। बैटिंग सेकंड आप देखेंगे यहाँ पे प्रेफरेबल चॉइस, क्योंकि पिछले 5 मैच में जो इस पिच पे खेला गया उसमें 4-1 जो है आपका बैटिंग फर्स्ट का बैटिंग सेकंड के लिए फेवरेबल रहा है, और उसमें भी जो डे के मैचेस रहे उसमें भी बैटिंग सेकंड जो है 3-2 से लीड कर रहा है। तो बैटिंग सेकंड दोनों ही केस में, मतलब दिन का मैच हो या फिर शाम का मैच हो, दोनों ही केस में बैटिंग सेकंड इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। और दूसरी बात, तीसरी बात, मान लीजिए जो 10% आप भरोसा कर रहे हैं बारिश के ऊपर, अगर कर रहे हैं तो मैं कह रहा हूं कि अगर कर रहे हैं तो अपने रिस्क पे अगर बारिश हुआ और एकाध ओवर गलती से खलल पड़ गया, मान लीजिए कभी कभी होता है कि किसी से गलत रिपोर्ट भी सही निकल जाती है, अगर सही निकल गया बारिश होने के चांसेस हुए तो भी उस समय भी सेकेंड इनिंग्स में आपको फायदा होगा, क्योंकि सेकेंड इनिंग्स में भी अगर एकाध ओवर कम पड़े तो उस केस में आपको जो है वहां पे मिल जाएगा कि सेकेंड इनिंग्स में डकवर्थ लुईस सिस्टम के हिसाब से एक सेकेंड इनिंग्स जो टीम बैटिंग करती है उसको फेवरेबल वहां पे चांस मिलता है। अब बैटिंग रिकॉर्ड 147 का है, पिछले 5 मैच का एवरेज है 147, लेकिन आपको अगर जो बैटिंग टीम फर्स्ट कर रही है उनको डिफेंड करने की टारगेट कम से कम भी 165 के आसपास का स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि 165 अमूमन यहां पे उतना चेज नहीं होता है, वो एक सेफर टारगेट दिमाग में रखना पड़ेगा, 165-170 का ब्रैकेट, उसके ऊपर चले गए तो फिर तो डिफेंडेबल टारगेट बन जाएगा, बट लेकिन उसके नीचे रहे तो फिर थोड़ा रिस्कियर ऑप्शन, रिस्कियर पिक है। तो आप एक बैलेंस्ड स्क्वाड बनाए और जो टीम बैटिंग सेकंड कर रही है उसके आप 5 की जगह 6 खिलाड़ी चूज कर सकते हैं, 6 या 7 खिलाड़ी चूज कर सकते हैं एट योर ओन विल। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक और बात की, जो इन दोनों के बीच में एकलौता मुकाबला हुआ था, इससे एकलौता नहीं मतलब इससे पहले जो लास्ट मुकाबला था उसमें बांग्लादेश जीती थी हालांकि, बट इसमें क्या बांग्लादेश जीतेगी या नीदरलैंड जीतेगा वो हम आगे विश्लेषण करेंगे थोड़ी देर में। अब हम बात करते हैं यहां पे, और हाँ आगे मैं बढ़ू टीम बताऊं उससे पहले एक और बात, अब बहुत लोग पूछते हैं कि पेसा चलेगा स्पिनर, तो ये एकलौती नहीं मतलब कुछ पिचेस हैं जिसमें ये पिच एक आती है जिसमें स्पिनर्स का थोड़ा सा से हो सकता है इस मैदान में खास तौर से, क्योंकि स्पिनर्स जो है स्पेशली खास तौर से सेकंड इनिंग्स में अच्छा करें, क्योंकि आपको पहले इनिंग्स में अगर बारिश नहीं हुई और पूरा दिन धूप रहा तो फर्स्ट इनिंग्स में थोड़ा बहुत जो स्पिन होगा वो होगा, लेकिन सेकंड इनिंग्स में उसकी वजह से क्योंकि दिन का मैच है तो सेकंड इनिंग्स में जो है आपको स्पिन थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है, रफ क्रिएट हो सकता है थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत, तो उस केस में आप चाहे तो एक आध स्पिनर को ट्राई कर सकते हैं एट योर ओन रिस्क। अब बात करते हैं बांग्लादेश की 11 की, तो यहाँ पे बहुत सारी इन्होंने कॉम्बिनेशन ट्राई की, खास तौर से अपने ओपनिंग में कभी मेहदी हसन से ओपनिंग करवा देते हैं, कभी आफिफ हसन से ओपनिंग करवा देते हैं, कभी किसी से ओपनिंग करवा दिया, लेकिन अभी मेरे हिसाब से वर्ल्ड कप में जब ये जाएंगे पहला मैच खेलने की तो अपने एक्सपीरियंस डुओ जो इनका पिछले 3-4 साल से चला आ रहा है सौम्य सरकार और नितिन दास, उनको मेरे ख्याल से वापस से लेके आएंगे इस ओपनिंग कॉम्बिनेशन में। उसके बाद आपके शाकिब अल हसन नंबर 3 पे यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इन्होंने खुद कहा है कि मैं नंबर 3 में बैटिंग करना चाहता हूँ वर्ल्ड कप में, तो मे भी उनका रिक्वेस्ट को कौन ही टाल सकता है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में खास तौर से, तो मे भी शाकिब अल हसन विल प्ले एट नंबर 3, और आफिफ हुसैन यासिर अली नूरुल हसन ये इनकी जो है आपकी टॉप 7 पिक करती है, टॉप 6 पिक करती है, उसके बाद मोहम्मद हसन, मेहदी हसन, तास्किन अहमद, शरीफुल इस्लाम और हसन महमूद, ये जो है आपकी 11 हो गई। अब यहाँ पे हमने इन दोनों को हाईलाइट क्यों किया, तास्किन अहमद और शरीफुल इस्लाम, हसन महमूद तो ऑलमोस्ट फिक्स है आपके, बट जो लेफ्ट आर्म ऑप्शन में भी शरीफुल इस्लाम की जगह आपके यहाँ पे आ सकते हैं मुस्ताफिजुर रहमान, लेकिन मुस्ताफिजुर रहमान जो भी ट्राई सीरीज हुआ था उसमें थोड़े से इफी लगे थे, और प्लस क्या अपडेट है उनके ऊपर अभी तक कोई ऑफिशियल रिलीज नहीं हुआ है कि उनकी इंजरी है या फिर वो अवेलेबल नहीं है, अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया नहीं है, तो हमें डाउटेबल है कि क्या वो पहले मैच में खेलेंगे नहीं खेलेंगे, अगर खेलते तो मे बी इन दोनों के जगह किसी के जगह आ सकते हैं, या तो तास्किन अहमद या शरीफुल इस्लाम, मोस्ट प्रोबेबली मे बी शरीफुल इस्लाम के जगह आए वो खेलने के लिए, क्योंकि लाइफ लाइक रिप्लेसमेंट होंगे उनके, बट फिलहाल के लिए इस इलेवन को आप पकड़ के चल सकते कि ये मोस्ट प्रोबेबली 11 आपको दिखेगी फील्ड पे, ऑन फील्ड 90% चांसेस, बट अगर कुछ चेंजेस हुआ स्क्वाड में, मान लीजिए एक आध प्लेयर नहीं रहे, तो आपको हम अपडेट भेज देंगे 9:02 के आसपास की ये फाइनल लिस्ट है इनकी टॉस होने के बाद, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, अगर अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया तो अब तो कर ही लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी ये प्लेइंग स्टाइल इनके दिखी रही आपको, एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स पिछले 10 मैच का T20 फॉर्मेट में यहां पे आपको दिख रहा है, ये सिर्फ T20 इंटरनेशनल्स नहीं है, T20
डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल का मिला के पिछले 10 मैचेस का है, तो आप इसके भरोसे पे अपनी एक अंदाजा लगा सकते हैं, स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि कौन सा प्लेयर फॉर्म में है और किसको आप ट्राई कर सकते हैं अपनी टीम में। बाकी लास्ट 5 रन और विकेट्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत लोग हमारे दोस्त जो बोलते हैं कि कभी कभी ब्लर दिखाई देता है, कभी कभी कुछ इशू होते देखने में स्क्रीन पे, तो उनके लिए हमने इस पीपीटी का लिंक जो है कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, आप उसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी खुद बना सकते हैं। स्टैट्स देख के सारे कॉलम्स देख के आप खुद बना सकते हैं और अपनी टीम खुद बनाइए और एंजॉय कीजिए। बाकी हम आपको बताएंगे कि कैसी टीम बनानी है, क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, बट आप भी अपनी टीम खुद बनाए ताकि आपको भी अपने आप पर कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं बेहतर फैंटेसी प्लेयर बन रहा हूं। वही हमारा एम है कि सबको बेहतर फैंटेसी प्लेयर बनाए, एडुकेट करें। बाकी टीम्स तो आती जाती रहती हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे कि आपकी बांग्लादेश की 11 हमने बता दी, अब इसमें इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन से हैं, आपके कौन से प्लेयर्स को आपको लेना चाहिए, कौन से प्लेयर्स को नहीं लेना चाहिए, वो सब बातें डिस्कस करेंगे। एक आध प्लेयर जैसे शाकिब अल हसन हो गए, आफिफ हुसैन हो गए, ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटन दास हो गए, ये भी आपको अभी, ये तीनों के ऊपर बैटिंग डिपेंडेंट है। बॉलिंग में आपके आ जाते हैं मेहदी हसन, मिराज स्पिन अच्छा करते हैं, प्लस आपको हसन महमूद, ये दो प्लेयर्स जो है बॉलिंग में डिपार्टमेंट में संभाल रखा, तो ऐसे 3-4 प्लेयर जो है आपको ऑलरेडी ओवर द फ्रंट दिखते हैं। अब कौन से प्लेयर को आपको टीम में लेना है, ड्रीम इलेवन की टीम में या फिर माई इलेवन जिसमें भी आप फैंटेसी खेलते हैं, वहां पर जिसको भी आपको लेना है वो आप चेकआउट कर सकते हैं और हम बताएंगे आपको। वैसे अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे नेदरलैंड्स की 11 की तरफ। इनकी 11 एक बार पहले देख लेते हैं कि क्या इनकी 11 है। मैक्स ओडोर, विक्रमजीत सिंह, बैस दली, कॉलिन एक्रमैन, टॉम कूपर, स्कॉट एडवर्स, टीम प्रिंगल, टीम वैन दर गुटन, फ्रेड क्लासन, पॉल वैन मिकरन और उसके बाद रोलेफ वैन दर मरवे, ये जो है इनकी 11 है। इनकी प्लेइंग स्टाइल, एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स, रन विकेट्स आपको दिख रहे हैं। अब इसमें कुछ बातें इंटरेस्टिंग है कि अब जो यहाँ पे बैस दली है, इनके पिताश्री, इनके जो फादर थे, वो 1997 वर्ल्ड कप में खेले थे, वो भी बांग्लादेश के अगेंस्ट ही, हालांकि मैच हार गए थे। ये बस इस फैंटेसी रिलेटेड कुछ नहीं है, बट आपके लिए इन्फॉर्मेशन, एक सामान्य ज्ञान, एक जनरल नॉलेज का हिसाब से समझ लीजिए कि आपको हम कभी कभी ऐसे ऐसे कॉन्टेक्स्ट लेके आते हैं जो आपको इंटरेस्टिंग लगे। बाकी उसके अलावा मैं बोलूं तो नेदरलैंड्स अभी फिलहाल काफी अच्छे फॉर्म में है और हाई चांसेस है उनके बांग्लादेश को एक करा टक्कर देकर हरा भी सकती है, तो ये एक नया आपको पर्सपेक्टिव दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको अगर बताऊं तो इनकी फास्ट बॉलिंग का जो ट्रायो है बैस दली के साथ आपके फ्रेड क्लासन और पॉल वैन मिकरन, ये तीनों फिलहाल काफी अच्छे फॉर्म में हैं बॉलिंग के पर्सपेक्टिव से और ये खासतौर से बहुत अच्छा पेस से भी डालते हैं, तो और तीनों का जो 135 प्लस पेस आता है नॉर्मली, तो आप तीनों के हिसाब से मानते हैं बांग्लादेश को थोड़ी सी स्ट्रगल होगी वहां पे। और चौथे टीम प्रिंगल काफी अच्छे फॉर्म में फिलहाल, उनको आप अगर देखें, हालांकि यहाँ पे आपको लगा कि 0-1-1 क्या बोला, लेकिन बॉलिंग काफी अच्छी करे, काफी सुधरी हुई बॉलिंग है उनकी पिछले साल से। और अब यहाँ पे लास्ट जो है रुलफ वैन दर मरवे, ये भी काफी आपको पॉइंट्स, फैंटेसी पॉइंट्स दे सकते हैं, तो ये इनकी 11 है। इनमें से काफी सारे प्लेयर के बारे में हमने बात की और हम बात करेंगे जब आपको ड्रीम 11 की टीम या फिर माई 11 की टीम दिखाएंगे, जहां पे भी आप खेलते हैं उसकी टीम दिखाएंगे, स्मॉल लीग, हेड टू हेड, ग्रैंड लीग की, तब वहां पे और बात करेंगे। लेकिन आप एक बार ये जस्ट एक ओवर द टॉप आइडिया है कि आपको कैसी टीम दिख सकती है। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की, क्योंकि मान लीजिए आपने एक अच्छी टीम बना ली, ये स्टैट्स देख के, ये सारी बातें सुन के, फिर भी अगर आपने गलत जगह लगा दिया है ना, तो आपके नुकसान होने के चांसेस ज्यादा है। आप सही कॉन्टेस्ट में खेले, सही लीग्स में खेले, तो आपके फायदा जो है ज्यादा ज्यादा होगा, क्योंकि बहुत लोग कंप्लेन करते हैं मैं बहुत पैसे हार चुका हूं। मेरा यह मानना, अगर आप सही कॉन्टेस्ट सही लीग्स में लगाएंगे और ठीक ठाक टीम लगाएंगे ना, तो आप हारेंगे तो कम से कम नहीं, आप जीते मतलब बहुत अच्छे पैसे जीते ना जीते, लेकिन आपका नुकसान कम से कम होगा, ये मेरा मानना है। बाकी हेड टू हेड स्मॉल लीग में आप लगाइए टीम्स, क्योंकि वहां का प्रोबेबिलिटी जो है जीतने का प्रोबेबिलिटी जो है वो 50-70% रहता है, और ग्रैंड लीग का जीतने का प्रोबेबिलिटी चांसेस जो है 0.01%, आप खुद समझदार हैं, सिंपल मैथ कर ही सकते हैं। बाकी प्ले द कॉन्टेस्ट दैट सूट्स यू द मोस्ट, आपके बजट के अकॉर्डिंग, आपके रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग, और होपफुली जब आप इस मैच की टीम बनाएंगे आपको बहुत अच्छी विनिंग्स हो, बहुत अच्छी रैंकिंग्स आए, उसके लिए ऑलरेडी ऑल द बेस्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द डे, जिसके लिए आप लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं कि टीम कैसी दिखेगी। लेकिन टीम दिखाऊं और डिस्कस करूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक वीडियो देख रहे हैं और पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को एक बार लाइक करना मत भूलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। 12,000 की फैमिली बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाना चाहते हैं, वो 15,000 की फैमिली बनाना चाहते हैं। फटाफट आप लोग फटाफट लाइक्स और सब्सक्राइब करते रहिए, साथ में शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, ताकि वो भी आए जुड़े। हम आपको चाहे वो क्रिकेट का कंटेंट हो, चाहे कबड्डी का कंटेंट हो, वो आपको देने की कोशिश करेंगे जितना हो सके उतना, तो आप प्लीज 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 शेयर कीजिए अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे आर फैंटेसी 11, ये खास तौर से स्मॉल लीग हेड टू हेड के लिए, ये ग्रैंड लीग के लिए नहीं है, ये स्मॉल लीग हेड टू हेड के लिए।
यहाँ पे स्कॉट एडवर्ड्स इनके बेस्ट अभी आप फिलहाल विकेट कीपर बैटर मान सकते हैं, वो आपको काफी अच्छा देते हैं। स्कॉट एडवर्ड्स, दिलन दास, ये दो आपके प्रोबेबल पिक बनते हैं और विकेट कीपर्स में, और इन दोनों को आप ट्राई कर सकते हैं। बैटर्स है मैक्स ऑर्डर, आफिफ हुसैन, सौम्य सरकार, ये तीनों खासतौर से मैक्स ऑर्डर और आफिफ हुसैन, ये दोनों तो मतलब बहुत अच्छे फॉर्म में भी है और बेस्ट बैटर्स भी अपने साइड के रिस्पेक्टिवली। सौम्य सरकार एक थोड़े से अलग हटके पिक है, अगर खेलते हैं उनका एक चांस है कि वो नहीं भी खेल सकते हैं, अगर खेलते स्क्वाड में है अवेलेबल और वो खिलाया जाता है उनको 11 तो आप उनको टीम में ट्राई कर सकते हैं स्टार्ट में एक क्योंकि सौम्य सरकार का वही है कि स्टार्ट में अगर चल गए तो बहुत तगड़ा मारते हैं वो, तो उनके हिसाब से आप उनको ट्राई कर सकते हैं। बाकी ऑलराउंडर्स में बाज़ अली, मेहदी हसन, साकिब उल हसन, ये तीन जो है प्रॉपर आपको बॉलिंग का कोटा भी देंगे चार ओवर का और बैटिंग भी पूरी करके देंगे, तो आप इन तीनों को डुअल स्किल की वजह से रख सकते हैं टीम में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको फैंटेसी एज ए फैंटेसी पॉइंट्स उनसे मिल ही जाएगी। बाकी बॉलर्स ने पॉल रन मिक्रम काफी अच्छे फॉर्म में, जैसे मैंने कहा आपको टिम प्रिंगल वो भी काफी अच्छा कर सकते हैं, और खासतौर से टिम प्रिंगल को तब रखिए जब वो सेकंड इनिंग से बॉलिंग करने आ रहे हैं, नहीं तो आप चाहिए तो वहां पे आप एक फास्ट बॉलर को ऐड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए नेदरलैंड्स जो है सेकंड बॉलिंग कर रही है, और अगर नेदरलैंड्स फर्स्ट बॉलिंग मान लीजिए नेदरलैंड्स सेकंड बॉलिंग कर रही है तो आप टिम प्रिंगल को रखिए, नेदरलैंड्स अगर फर्स्ट बॉलिंग कर रही है तो आप टिम प्रिंगल के जगह दूसरे बॉल को भी ट्राई कर सकते हैं, मे बी आप पॉलमन विकन का फ्रेड क्लासन को ट्राई कर सकते हैं, ये आप चेंज कर सकते हैं वहां पे अगर नेदरलैंड्स फर्स्ट बॉलिंग कर रही है तो। ये आपकी टीम है, यहाँ पे हसन महमूद जो है बेस्ट फिलहाल बांग्लादेश के बॉलर में आते हैं उनको आप ट्राई करेंगे ही, तो ये आपकी स्मॉल लीग हेड टू हेड की टीम है, एक ओवरऑल जिस्ट है, इसको एक्जैक्टली कॉपी मत कीजिएगा, एक आध कुछ चेंजेस अपने गट फीलिंग के हिसाब से, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप चेंज कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे स्टैट्स बेस्ड करते हैं और आपकी कुछ लॉजिक अलग हो सकती है, आपका थॉट प्रोसेस, आपकी थिंकिंग कुछ अलग हो सकती है हमसे, उसको हम मना नहीं करते, बट आप अगर सेम टीम लगाएंगे तो अगर सब कोई सेम टीम में लगाने लग गया तो फिर कोई जीतेगा नहीं, इसलिए आप थोड़ा सा कुछ चेंजेस कीजिए, थोड़ा सा ट्विक्स कीजिए तो आपको फायदा ज्यादा होगा। बाकी यहाँ पर कैप्टनसी वाइज कैप्टनसी पिक्स कौन से, मैक्स औदौद, आफिफ हुसैन, बाज़ अली और साकिब उल हसन, ये चार ऑप्शन बनते हैं आपके कैप्टनसी वाइज कैप्टनसी के लिए। होपफुली आप स्मॉल लीग हेटेड की टीम बनाएंगे तो आप ये बात ध्यान में रखेंगे, और दूसरी बात आप अगर मल्टीपल टीम्स बना रहे, पांच टीम बना रहे, दस टीम बना, तो आप अलग अलग कॉम्बिनेशन भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि एक टीम आपने मैक्स औदौद को बनाया कैप्टन, दूसरे टीम और साकिब उल हसन को वाइस कैप्टन बनाया, दूसरे टीम आपने साकिब उल हसन को कैप्टन बनाया और बाज़ अली को वाइस कैप्टन बनाया, ऐसे आप अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई कर लीजिए ताकि किसी एक टीम के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी ना रहे। अब हम बढ़ते हैं ग्रैंड लीग की टीम की तरफ, जिसके लिए वैसे तो टीम्स के लिए बहुत लोग इंतजार करते हैं, ग्रैंड लीग के लिए खास तौर से बहुत लोग इंतजार करते हैं, तो उनके लिए ग्रैंड लीग की टीम भी सामने है। विकेट कीपर्स में स्कॉट एडवर्ड्स, दिलन दास, ये दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टनसी ऑप्शन भी आप रख सकते हैं, विकेट कीपिंग से पॉइंट्स मिलेंगे कुछ 20-30 पॉइंट प्लस, आपके ये दोनों बहुत अच्छे बैटर्स भी हैं, आपको स्कॉट एडवर्ड्स फिनिश अच्छा करते हैं गेम को और दिलन दास तो टॉप ऑर्डर बैटर है, तो इन दोनों को आप ट्राई कर सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टनसी ऑप्शन, अगर चल गए तो आपको मल्टीपल पॉइंट्स मल्टीपल डायमेंशन से पॉइंट्स मिल सकते हैं। बैटर्स में वैसे मैक्स औदौद, आफिफ हुसैन, बस एक चेंज के नजमुल हसन शांतो आ गए हैं सौम्य सरकार के जगह, ये नजमुल हसन शांतो मोस्ट प्रोबेबली 90% चांसेस है कि वो खेलेंगे, सौम्य सरकार का चांस है कि वो शायद खेले नहीं खेले, तो उसमें आप बस एक बार टॉस के बाद चेक कर लीजिएगा। ऑलराउंडर्स में बैज़ अली, कॉलिन एकरमैन और साकिब उल हसन, यहाँ पे कॉलिन एकरमैन कम ना है, यहाँ पे मेहदी हसन की जगह, वो एक चेंज है। यहाँ पे बॉलर्स में पॉलविन विक्रम और तास्किन अहमद और हसन महमूद, अब तास्किन अहमद को मैं पे लगा कि वो थोड़ा उनका जो एक्शन है ना वहां पे वो दौड़ते भी अलग तरीके से आते हैं और स्किडी एक्शन है उनका, तो उसके वजह से थोड़ा परेशानी हो सकता है यहाँ पे नेदरलैंड्स के प्लेयर्स को, और मे बी वो स्टार्ट में अगर थोड़ा बहुत उसको उनको मूवमेंट मिल गया तो वो काफी सारे विकेट चटका सकते हैं, जनरली वो जब विकेट्स लेते हैं तो बल्क में विकेट्स लेते हैं, तो आप तास्किन अहमद को भी ट्राई कर सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन, और पॉलविन विक्रम तो है ही, ये काफी अच्छे फॉर्म में खेला तो इनको भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। ये हो गए आपकी ग्रैंड लीग की टीम, होपफुली आपको हमारी स्ट्रैटेजी, आपको हमारा कॉम्बिनेशन और ये आपको जो कॉम्बिनेशन है ये 2-3-3-3 का आपको पसंद आया होगा, एक बैलेंस स्क्वाड बनाने की कोशिश की है, थोड़े से रिस्कियर पिक्स लिए, थोड़े हाईएस्ट पिक लिए और थोड़े सेफर पिक्स लिए ताकि आपको एक बैलेंस्ड तभी भी ग्रैंड लीग की टीम दे सके। और अगर इसके अलावा आपको मल्टीपल टीम्स चाहिए, मान लीजिए 50-60 टीमें ग्रैंड लीग के लिए, 10 टीम ग्रैंड लीग के लिए अलग से टीमें, स्मॉल लीग हेड टू हेड के लिए अलग से टीमें और चाहिए आपको, तो आपको हमारे वेबसाइट और ऐप पर मिल जाएगा, डू चेक देम आउट। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, लेकिन जाने से पहले वापस आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप www.fantasyglider.com को चेकआउट करना मत भूलिए, साथ में ऐप भी हमारा, इन दोनों जगह पे आपको बहुत सारी डिटेल्स मिलेंगी, आप प्लीज चेकआउट कीजिए, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप दोनों जगह जाइए और एंजॉय कीजिए, सब कुछ फिंगर टिप्स मिल जाएगा, आप इजीली फैंटेसी गेमिंग खेल पाएंगे, और साथ ही में हमें हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो कर सकते हैं, खासतौर से टेलीग्राम पे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है पहले नंबर पे, आप उसको भी चेकआउट कीजिए, हम डेली अपडेट्स वहां पर आपको प्रोवाइड कर देंगे। मैं रौनक कुमार केडिया अलविदा कहता हूं, टिल द नेक्स्ट टाइम वी टेक केयर, बाय बाय, सी यू।
है।